व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू मनी टेक। गाइज, काफी सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे वो अपना इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट प्राइवेट करने की कोशिश करते हैं बट वो लोग नहीं कर पाते, उनके सामने कुछ इस तरह पॉप अप मैसेज शो होता है, बिजनेस अकाउंट कैन बी प्राइवेट, राइट। जी हाँ, तो अगर आप नीचे के साइड में देख सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक यूअर अकाउंट प्राइवेट फर्स्ट टू स्विच बैक टू एप पर्सनल अकाउंट, यानी कि इस मैसेज का जो मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आप लोगों को सबसे पहले पर्सनल में स्विच करना है। वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज़ आप वीडियो का एक बार स्किप मत करना, अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये सेटिंग्स शो क्यों नहीं हो रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जब से इंस्टाग्राम वालों ने यानी कि मेटा वालों ने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में कुछ चेंजेस वगैरह की है, तब से बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर्स परेशान हुए कि आखिर हमारी सेटिंग्स को हुआ तो हुआ क्या। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर लो, साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज वीडियो को लाइक भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का हमेशा मस्त मस्त कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मान लेते हैं अगर आप लोगों को ये वाला बिजनेस अकाउंट है, यदि आप इसको प्राइवेट करने की कोशिश करते हैं तो गाइज आप लोगों के सामने क्या मसला आ रहा है, राइट। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट प्राइवेसी, आपको इसी पर टैप करना है, एंड आप लोगों को यहाँ लिखा प्राइवेट अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना। जैसे आप इस पर टैप करते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह पॉपअप मैसेज शो होता है। तो गाइज आप लोगों को ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है, यानी कि आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वो आप लोगों को प्राइवेट करनी है। इसके लिए आपको सिंपली इस पर अप्लाई करना है, एंड आप लोगों को सिंपली होम स्क्रीन पे आना है। जैसे आप होम स्क्रीन पे आओगे फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम ऐप वो आप लोगों को ओपन करनी है, सॉरी प्ले स्टोर ऐप ओपन करनी है, एंड आप लोगों को यहाँ टाइप करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम टाइप करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आप लोगों को अपडेट वगैरह करनी है, एंड आप लोगों को सिंपली रिसेंट ऐप से इसको हटाना है। तो गाइस उसके बाद सिंपली आप लोगों को इंस्टाग्राम की जो ऐप है वो आप लोगों को ओपन करनी है, और आप लोग उनको यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाओगे फिर आप लोगों को ऊपर देखा थ्री डॉट्स, आपको इसी पर टैप करना है, एंड आप लोगों को सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे फिर आप लोगों को यहाँ दिखेगा एक ऑप्शन क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, आप लोगों को इसी पर टैप करना। जैसे आप इस पर टैप करोगे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिखेगा स्विच टाइप अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना है, एंड आप लोगों को यहाँ दिखेगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे फिर आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाले ऑप्शन में फिर से चले जाना है, राइट। तो दोस्तों, जैसे आप प्रोफाइल के अंदर आओगे फिर आपको फिर से थ्री डॉट्स पर टैप करना है, देन सेटिंग्स, उसके बाद फिर आप लोगों को प्राइवेट वाले ऑप्शन में चले जाना है, यानी कि अकाउंट प्राइवेसी में चले जाना है, और आप लोगों को यहाँ देखा प्राइवेट, आपको इसी पर टैप करना है। जैसा इस पर एनेबल करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेंज टू प्राइवेट अकाउंट, आप लोगों को ओके पर टैप करना है। जैसे ओके पर टैप करोगे फिर आप लोगों का इंस्टाग्राम आईडी वो 100% प्राइवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोग न्यू सेटिंग में इंस्टाग्राम आईडी को बिजनेस यानी कि बिजनेस अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, राइट। जी हाँ दोस्त, यही था वो बेस्ट तरीका जिसके जरिए आप लोग बिजनेस अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और करना ना भूलिए, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।